संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dsadkanama.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं। सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त मैं मौजूद हूं और कल देर रात को गांव मोचीवाली के एक व्यक्ति हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पे, और जो शराब ठेके के ये कहूँगा कि ठेकेदारों ने इनकी पिटाई कर दी, इनको पीटा और घर से उठा करके यानी कि अपहरण कर करके वो ले करके गए। हालांकि रात को 112 पुलिस जो की गाड़ी है वो भी वहाँ पे पहुँच गई थी और उसके बाद पुलिस ने जो है यहाँ जो एडमिट है सिविल हॉस्पिटल में करवाया गया है। क्या कुछ मामला है उसके बारे में हम जानेंगे। हंसराज हैं जो करीब 40 वर्षीय हैं, सिरसा ज़िले के गांव मोचीवाली के रहने वाले हैं। और सर, क्या कुछ वाक्य हुआ, क्या क्या कहना चाहेंगे, कितने बजे की ये वारदात है, कौन लोग थे, क्या कहेंगे? ये 1:15 की है जी। शराब के आप घर पे सो रहे थे, क्या क्या हुआ सर? सुते हो जी मैं घर पर जी। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जी अपनी भाषा में बता दो। चक्के ले जी मैंने खाट, मान लो मत्स्यपुरू जी, चक्के ले आगे मान लो गाड़ी में गाली हुआ, गाड़ी ले गए इन जी। एक जरनेली सड़क है जो बिन फतेहवाज रोड बोल रहा है, भी है जरनेली सड़क भी बोल रहा है, बठे विकास भट्टो है, बठे पाँव पेटी तार रखी तो बठे गाड़ी और खड़ी कैंपर एक में मैंने गाल के ले है। जैसे गाड़ी को मैंने नाम नूम जानू कौन जी कौन सी ना इतना मेरा ध्यान, एक भी गाड़ी के मैं एक मेरे पिस्टल लगाए हुए हैं जो को पवन है और वो जो को पप्पू खलेरी को छोरो अनिल खलेरी बोले बोल गए तुम्हारे क्यों पिटा गया है, क्या कारण, क्या वजह, क्या क्या रोक लगा रहे हैं? वो शराब को लगा रहे हैं। बोल तू शराब, आप शराब अवैध शराब बेचते हो? हाँ। तो क्या आप शराब वगैरह को बेचने का काम करते हो? ना जी नहीं, पहले बेचते रहे हो? पहले बेचते रहे जी, बाद में बंद कर दी। अच्छा, कब बंद कर दिया? 2 महीनों के लगभग। 2 महीनों के? तो उन ठेकेदारों को कोई शक था आप पे कि वो शराब बेचते हैं फिर भी बेच रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह की? अब के केस कौन जी, मैं भी बात होगी केस को माने कण भेजे है कण किए है के कारण है जी। तो फिर आपको छुड़वाया किसने? छुड़वाया तो अमित और सीताराम और पवन ने, तीनों गए और पुलिस आई 112 नंबर पर घंटी मारी है। हाँ, रात को ही जी। एक मदन मदनी शुभ राम पंडित को छोड़ गए ऐसा गया, वो भी बैठे मौजूद हो जी। तो फिर आपको फिर छोड़ दिया, उसके बाद फिर यहाँ कौन लेके आया? सीताराम। हाँ, तो क्या मांग करते हैं आप? बयान वगैरह कोई दर्ज हुए? ना कुछ नहीं है जी। तो बयान दर्ज नहीं हुए? ना जी। तो क्या क्या मांग करते हैं आप? मांग तो जी फिर मान लो यहाँ बारी बारी का भी मैं और सकांगा और मारांगा, हाँ तो भी मन मिलना चाहिए इंसाफ की बात हो, क्यों ले आया मैंने, के कारण है जी। हैं, मैं के कसूरदार हूँ, कल्याण चाहिए बने, मैं तो ही मांग करूँ बयान करी सजा मिले। तो ये आपने देखा कि ये हंसराज हैं और करीब 40 वर्षीय हैं, गांव मोचीवाली के रहने वाले हैं, और चूंकि आपने पहले भी इस तरह की कोई खबरें सुनी होगी कि जो शराब के जो ठेकेदार हैं या शराब बेचने का जो जो ठेकेदार हैं वो इस तरह के जो लोग हैं उन पे ज्यादती करते हैं, गांव-गांव जा कर के ऐसे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं, और तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई कि किस तरह से। हालांकि ये व्यक्ति है, इनका ये कहना है कि कई महीने पहले वो शराब ज़रूर बेचते थे लेकिन अब शराब नहीं बेच रहे थे, और जो है ठेकेदारों की ओर से उनके जो कारिंदे थे, उनके जो लठैत थे, उन्होंने इनका अपहरण करके गांव जब घर में सो रहे थे तो वहां पे पहुंचे और इनको जबरन वहां से अपनी गाड़ी में डाला और कई किलोमीटर दूर ले जा करके इनकी मार पिटाई की। और ये बता रहे हैं कि कोई पिस्तौल है वो भी लगाया गया और धमकियाँ भी परिवार को दी जा रही है। हालांकि ये पूरे मामले की जो है शिकायत पुलिस को कर दी गई है, जो यहाँ पे जो एक मेडिकल लीगल रिपोर्ट होती है MLR वो भी इन्होंने कटवा दी है, लेकिन पुलिस अभी तक बयान दर्ज करवाने के लिए भी नहीं पहुँची है क्या कुछ मामला है। और चूंकि परिवार का ये कहना है कि उनको इंसाफ मिले, इस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति है जो है उन पर इस तरह का हमला होता है तो वाकई ही कई तरह के सवाल है वो खड़े करते हैं। रात को परिवार के लोगों ने वहाँ पे मौके पे पहुँच करके इनको छुड़वाया और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर जरूर कर दीजिए, आपकी इसको लेकर के क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।